राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के नाराज विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस कड़ी में सचिन पायलट अचानक से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। शुक्रवार को बाड़ेबंदी के लिए उदयपुर पहुंचे सचिन पायलट करीब 2 घंटे बाद एकाएक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पायलट के दिल्ली कार्यक्रम को लेकर जब उनके समर्थकों से सवाल किया गया तो किसी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। माना जा रहा है सचिन पायलट दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट के दिल्ली दौरे के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला मायना ये है कि वो नाराज विधायकों को मनाने के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बनाने आए हैं और दूसरा मायना ये निकाला जा रहा है कि सचिन खुद अंतिम बार अपनी मांग पार्टी हाईकमान के सामने रखने आए हैं। माना यह भी जा रहा है सचिन पायलट को नाराज विधायकों को मनाने की जिम्मेदारी इस दौरान दी जा सकती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव से पहले बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुश्किलों को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। अशोक गहलोत को लेकर बीते दिनों सचिन पायलट ने खुद भी कई तरह के सवाल उठाए हैं और इन सवालों के बीच में फिलहाल अभी जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह से सचिन पायलट को लेकर फिलहाल हालात बनते जा रहे हैं, दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट कोई बड़ा फैसला आज ले सकते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।